आठ दिन पहले हुए दलित संगठनों के भारत बंद के बाद सोशल मीडिया पर 10 अप्रैल को भारत बंद का ऐलान पिछले कई दिनों से वायरल होता रहा। हालांकि ऐलान में कोई संगठन सामने नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया पर 3 अप्रैल से ही भारत बंद के लगातार मैसेज चल रहे थे। 2 अप्रैल को हुए दलितों के बंद में 17 लोगों की मौतों को ध्यान में रखते हुए इस बार केंद्र सरकार ने राज्यों को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की हिदायत दी थी। गृह मंत्रालय ने कहा कि कहीं भी हिंसा हुई तो उस इलाके के डीएम और एसपी को निजी तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए राज्य में जयपुर सहित 13 जिलों में कानून व्यवस्था संभालने के लिए बीएसएफ और सीआरपीएफ जैसी पैरा मिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया था। राजधानी सहित कई जिलों में धारा 144 लगा दी गई थी। मोबाइल इंटरनेट 24 घंटे के लिए बंद कर दिए गए। जिले के 13 जिलों में से किसी भी तरह की अप्रिय घटना रोकने के लिए बीएसएफ की 20 कंपनियों को तैनात किया गया था। जालोर और भरतपुर में सबसे ज्यादा 3-3 कंपनियों को लगाया गया। बाड़मेर, सवाई माधोपुर और बीकानेर में 2-2 कंपनियां और जोधपुर ग्रामीण, नागौर, सीकर, जैसलमेर, डूंगरपुर, धौलपुर, भीलवाड़ा और करौली में 1-1 कंपनी को तैनात किया गया। करौली में बीएसएफ के साथ सीआरपीएफ की 2 और दौसा में 1 कंपनी को तैनात किया गया। जयपुर कमिश्नरेट की पुलिस सोशल मीडिया पर चल रहे प्रस्तावित आंदोलन को लेकर अलर्ट रही। जयपुर कमिश्नरेट को पुलिस के साथ आरएसी की कंपनियां दी गई और 7 सीआरपीएफ की कंपनियां शहर में हर मार्ग और चौराहों पर तैनात किया गया था। वहीं राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि प्रदेश में कोई बंद नहीं है, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सरकार सख्ती से निपटेगी। कलेक्टर एसपी को इसके निर्देश दे दिए गए हैं। 1.5 दर्जन से अधिक शहरों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 30 कंपनियां पुलिस के सहयोग के लिए तैनात की गई हैं। राजस्थान के अनेक जिलों में भारत बंद का असर मिला जुला देखने को मिला। पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर हर स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं कई जिलों में एहतियात के तौर पर कारोबारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। वहीं 12 में प्रदर्शनकारियों ने भारत बंद का समर्थन किया। इस दौरान थाने का घेराव कर आरक्षण के खिलाफ नारेबाजी की गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच गहमागहमी बनी रही। वहीं पुलिस ने करणी सेना से जुड़े कई लोगों को हिरासत में लिया। इस पर प्रदर्शनकारियों ने उनकी रिहाई को लेकर थाने का घेराव भी किया। उधर सीकर शहर में भारत बंद का असर देखा गया। यहां मुख्य बाजार समेत कई इलाकों में ज्यादातर दुकानें बंद रही। एससी एसटी और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के प्रतिष्ठान खुले रहे। वहीं बाजारों में पुलिस जाब्ता लगाया गया था, लेकिन बंद के दौरान किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। वहीं श्री माधोपुर में भारत बंद के चलते बाजारों में चाय और सब्जी तक की दुकानें नहीं खोली। जानकारी के अनुसार बंद को पूर्ण रूप से समर्थन मिला। हालांकि अब तक यहां कोई प्रदर्शन या रैली नहीं निकली। पूरे कस्बे में चप्पे चप्पे पर पुलिस जाब्ता तैनात रहा। उधर जालौर में बंद का असर कुछ ज्यादा नजर नहीं आया। सुबह बंद को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी रही, लेकिन सवेरे 9 बजे तक अधिकतर दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान खोल लिए। यहां किराना, मेडिकल, सब्जी विक्रेताओं, फल और फूल व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोल दी। वहीं सड़कों पर चहल पहल भी रही। इस दौरान पुलिस जाब्ता भी चप्पे चप्पे पर मौजूद रहा।